यस बैंक पर आए आर्थिक संकट की वजह से जबलपुर के बैंक ग्राहकों में भी जबरदस्त बेचैनी है। यस बैंक के सिविक सेंटर स्थित मुख्य कार्यालय के सामने ग्राहकों की भीड़ है। ग्राहक ये जानना चाहते हैं कि यस बैंक के संबंध में जो जानकारी आ रही है वह सही है या नहीं। यस बैंक के वित्तीय लेन देन पर RBI ने शर्तों के साथ रोक लगा रखी है। बताया जा रहा है कि बैंक की आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है, यही वजह है कि यस बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट से पैसा निकालने में जुट गए हैं। हालांकि ग्राहकों को पैसा देने में यस बैंक के अधिकारी काफी आनाकानी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें बताया जा रहा है कि एक बार में 10,000 से ज्यादा रकम नहीं निकाली जा सकती है। सुबह से ग्राहकों को कुछ ही घंटों में भुगतान करने का आश्वासन तो दिया जा रहा है, लेकिन शाम तक ग्राहकों को पैसा नहीं दिया जा सका, जिस वजह से ग्राहक बेहद परेशान है। यस बैंक में अपना अकाउंट खोलकर पछता रहे कुछ ग्राहकों का मानना है कि अब इस बैंक से रकम निकालकर दूसरे किसी सरकारी बैंक में अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं, लेकिन यस बैंक उन्हें उन्हीं का पैसा नहीं दे रहा है। हाँ, बैंक वालों का ये कहना है कि 3 बजे SBI से पैसा आएगा, उसके बाद जिसका नंबर लगा है उनको 5-5 करके देंगे। ये कल शाम को हमने ट्राई किया ATM में जाके, तो पैसे नहीं निकले, कोई नेट बैंकिंग काम नहीं कर रही, कोई UPI काम नहीं कर रहा है, तब जाके पता चला। सरकार ने तो प्रॉमिस किया है कि RBI के अंडर है तो वैसे किसी का पैसा का नुकसान तो होगा नहीं, बस समस्या तो है त्यौहार का समय है। यहाँ का प्रबंधन क्या कह रहा है? यहाँ का प्रबंधन भी तसल्ली दे रहा है कि पैसे सभी को मिलेंगे। अभी जिनको इमरजेंसी वो क्वाइन ले रहे हैं, क्वाइन में उनको बड़ी रकम दे रहे हैं, 2-2, 3-3 लाख। बैंक में किसी भी तरह की तोड़फोड़ और उपद्रव को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है, लेकिन बैंक के अंदर ग्राहकों और बैंक अधिकारियों के बीच में बहस हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ग्राहकों का पैसा लौटाने संबंधी मामलों को निपटाने के लिए यस बैंक और RBI के बीच कोई समझौता हो सकता है, तभी ग्राहकों को राहत मिल सकती है। फिलहाल तो यस बैंक के ग्राहक अपनी रकम पाने के लिए बैंक के चक्कर लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर बार न्यूज, जबलपुर।